तो आज हम आप लोगों को RSGO 24 में मेरा जो है लाइव IMPS पेमेंट प्रूफ दिखाने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए, मैं सबसे पहले आपको इस पेज पे आ जाना है। इस पेज पे आने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको इस पोर्टली वाला जो निशान है मनी ट्रांसफ़र, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ भी आपको देख रहे हैं, यहाँ भी शो कर जाएगा आपका बैलेंस। यहाँ भी आपको शो करेगा 593.36 रुपये है। आपको सिंपल से क्या करना है, इस पर मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर क्रिएट नहीं सेंडर हैं तो क्रिएट सेंडर पर क्लिक करके आप यहाँ से भी आप जो है सो नाम, फर्स्ट नाम, मोबाइल नंबर डाल के आप क्रिएट सेंडर को क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद जो है सो आपको उसको लॉगिन हो जाना है। देखिए, फर्स्ट नेम यहाँ आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है। ठीक है, यहाँ जो है सो आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको क्रिएट पर सिंपल सा आपको क्या कहते हैं क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए, मैं आपको पहले से मैं क्रिएट सेंटर कर चुका हूँ, इसलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहे। चलिए, सबसे पहले यहाँ मोबाइल नंबर आपको डाल देना है 8709548183। इस बार लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप पहली बार हैं, नहीं ऐड किए हैं, तो ऐड बेनिफिशियरी पे क्लिक करके आप बैंक अकाउंट IFSC कोड इंटर करके आप उसमें ऐड बेनिफिशियरी हो जाएगा, बशर्ते कि आपका IMPS वॉलेट में पैसा होना चाहिए। जब आ जाए उसके बाद ही आपको कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपल सा सेंड मनी पे क्लिक करना है। सेंड मनी पे आपको क्लिक करना है। चलिए, उस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का आपका बैंक अकाउंट डिटेल शो करेगा, बिल ID, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। इस तरह का आते ही आपको सिंपल सा क्या करना है, ऐड आया इसको स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, सिंपल सा आपको क्या करना है, इस देख रहे हैं, इस पर सेंड मनी पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ भी आपको मोबाइल नंबर और IMPS वॉलेट का बैलेंस बताएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए बिल नाम बता रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ भी बैलेंस बता रहा है। यहाँ आपको सिर्फ जितना बैलेंस रहेगा उतना बैलेंस यहाँ इंटर अमाउंट पे आपको डाल देना है, 500। एक मिनट, सॉरी, ऐड आ गया इसके कारण हमें स्किप करना पड़ रहा है। चलिए, मैं सिंपल से यहाँ अमाउंट डाल देना है 593 रुपया। पैसा नहीं डालना है, सिंपल सा आपको क्या क्या ट्रांसफ़र पर क्लिक कर देना है, यस पर क्लिक कर देना है। देखिए, एक्सेप्टेड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, ये मेरा हो गया। यहाँ देखिए बैलेंस भी कट चुका है, या देखिए यहाँ बैलेंस भी कट चुका है, आप लोगों को बैलेंस भी कट गया है आपको, सॉरी, इस तरह आपको बैलेंस भी कट गया है। चलिए, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। देखिए, सिंपल सा आपको यहाँ देख रहे हैं IMPS लेजर रिपोर्ट में देखना है कि मेरा गया कि नहीं। चलिए, यहाँ देख लेते हैं, जब जब आप किए रहिएगा वहाँ देखिए, यहाँ बता रहा है 5 जुलाई को बता रहा है, 8:39 पे 593 रुपया हो चुका है। ठीक है, जब जब हमने हिस्ट्री आपको दिखा चुका हूँ। चलिए, आप सिंपल सा आपको हिस्ट्री पे भी क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए, ये पुराना अभी अपडेट नहीं हुआ। चलिए, अब अकाउंट चेक करके बताता हूँ कि मेरा अकाउंट में पैसा आया कि नहीं। चलिए, हम सबसे पहले पेटीएम अकाउंट को क्लिक करते हैं, अकाउंट को ओपन करते हैं। सिंपल सा आपको अकाउंट को डिटेल हम चेक करके बताते हैं। चलिए, नेट स्लो होने के कारण चलिए पेटीएम खोल के आपको दिखाता हूँ कि बैलेंस आया या नहीं।
चलिए अभी नहीं आ पाया है, हो सकता है हम फिर आपको दिखाते हैं। भाई आपके